हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे तैयार देख रहे हो ना। सो मैं अभी एक वीडियो शूट करने जा रही थी। सो बहुत जल्द आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, लेकिन देखने को बहुत जल्द मिलेगा। मैं रक्षाबंधन स्पेशल कुछ लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो इंतज़ार ज़रूर करना। एंड मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। एंड पीछे भी बेडशीट मुझे बिछानी है। मैंने सारी बेडशीट झाड़ के डस्टिंग करके पूरी घर में झाड़ू पोछा लगा रखा है, इस वजह से मेरी बेडशीट अभी मेस पड़ी हुई है। एंड मैंने नहाकर वही सूट पहना था, वो पड़ा हुआ है, बट मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने ड्रेस चेंज करी है। और आपको ये ड्रेस कैसी लग रही बताना मुझे। मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी मैंने कहाँ से ली है, क्या है ड्रेस, ये क्या है, सूट है, लहंगा है, क्या है, सब मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सो इंतज़ार ज़रूर करना। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 19 जुलाई और आज दिन है मंडे। आज से इस वीक का स्टार्ट हो चुका, मतलब स्टार्ट हो गया ये वीक। और मेरा स्कूल के लिए निकल गए हैं। आज मैंने मस्त सा पोहा बनाया था, आलू और प्याज वाला, जो काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया था। और अभी तक सो राजा को नहलाया नहीं है। आज मौसम फिर से बारिश वाला है, इस वजह से पानी टंकी का बहुत ठंडा है। आध्यास बोल रही थी मम्मा आज मुझे नहाना नहीं है, मैं क्यों, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। उन्होंने ठीक है मत नहाना, मुँह धुल लेना। एंड तक को भी आज मैं नहीं नहलाने वाली हूँ, सोच रही हूँ अगर धूप निकल आएगी तो मैं नहला दूंगी और दोनों बच्चों में बच्चे नहा लेंगे। यार इतनी गर्मी ही है कि जैसी धूप निकलेगी ना तो वो उमस हो जाएगी, फिर आपको नहाने का ही मन करेगा। यही दोनों बच्चे जो कह रहे हैं ना, आधा कह रही है ना मैं नहीं नहाऊंगी, यही दोनों बच्चे टब में बैठ के आराम से छप छप करते हुए नजर आएंगे। चलिए फिलहाल तो मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ एंड वीडियो शूट करने के बाद फिर मिलती हूँ। एंड वीडियो शूट करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, बच्चों को भी भूख लगाई थी, तो यहाँ सबसे पहले मैंने बच्चों को फल दे दिए थे, मतलब बनाना एंड अनार उनको दोनों लोगों को दे दिया है तो वो खा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध फैल गया था जब मैं बॉयल करने रख गई थी और मैं अपने काम में लगी हुई थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसके बाद थोड़ा सा मतलब फैल गया था तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। तुरंत साफ़ कर दो ना तो गैस पे ना दाग नहीं बनते या फिर हार्ड नहीं होते हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती चुड़ाने में। और यहाँ पे मैं अरहर की दाल है वो भर रही हूँ, बिकॉज ख़त्म हो गई थी बॉक्स से तो मैंने स्टोरेज बॉक्स से निकाल के इसमें भर दी है। और फिर मैंने सोचा चलो आज दाल ही बना लेते हैं, तो ये देखिए मैंने 3 चमचा भर के दाल ली है मैंने। इसको मैं सबसे पहले साफ़ करूँगी, थोड़ा बहुत चेक कर लेती हूँ मैं, वैसे तो साफ़ ही है लेकिन फिर भी एक बार अपनी निगाहें इसमें जरूर डालनी चाहिए कहीं कुछ हो ना। उसके बाद इसको एक दो पानी से अच्छे से धुल देंगे, धुलने के बाद इसको चढ़ा देंगे अरहर की दाल को, हल्दी और नमक डाल के चढ़ा देती हूँ। और बहुत से लोग विदाउट हल्दी चढ़ाते हैं, बाद में फ्राई करते टाइम हल्दी डालते हैं, आप लोग बताना कैसे करते हैं। तो मतलब एक चीज़ तो है, अगर मैं हल्दी डाल के ना चढ़ाऊँ सिर्फ नमक डाल के उबालूँ तो जैसे कि पानी निकलने लगता है ढक्कन से, तो आपका कुकर है वो पीला पीला गंदा नहीं होगा, दाल निकलेगी ठीक है लेकिन पीला पीला सा गंदा सा नहीं होगा, ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन मेरी तो आदत है ना नमक और हल्दी एक साथ डालने की, तो बस वही मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे नमक हल्दी डाल के मैं इसे ढक्कन लगा के बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तो मैंने सोचा खाली दाल क्या बनाया, थोड़ी सी सब्जी भी बना लेते हैं, तो मैंने फटाक से आलू चॉपर चाकू छिलनी सब निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैं 2 आलू का सिंपल सी सब्जी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 ही आलू लिए हैं। और पता है ये 2 आलू की सब्जी ना हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है जब दाल चावल सब बना हो तो अभी मैं दाल के साथ साथ चावल भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये 2 आलू जो हैं इनको मैं लंबे लंबे कट करूँगी, पहले तो मैं जैसे कट कर रही हूँ वैसे कट कर लूँगी एंड उसके बाद मैं इनको और ज़्यादा बीच से मतलब कट करूँगी, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरीके की आलू भुजिया बनाइए आप, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसमें मिर्च वगैरह नहीं डालूंगी, बहुत ही सिंपल। अगर आप बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं तो उसमें लाल मिर्च वगैरह डालिएगा, मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बच्चों के लिए भी है ना इसलिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आधा टमाटर काट रही हूँ, और मैंने सोचा था आधा टमाटर बाद में काटूंगी बिकॉज ये आधा ही फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन ये कटने के बाद ही थोड़ी देर बाद दक्ष आया तो उसने कहा मुझे मतलब उसको ये टमाटर चाहिए था, सो मैंने उसको टमाटर यही उठा कर दे दिया आधा। और फिर मैंने एक टमाटर दोबारा से फिर कट किया था सब्जी में डालने के लिए। यहाँ पर मैं हरी मिर्ची भी बारीक कट कर रही हूँ, चावल को भी मैंने धुल के भिगो के रख दिया है, कुछ देर में ही चावल भी भीग जाएंगे। और इधर हमारी सब्जी बन रही है, मैंने सब्जी बनने के सरसों का तेल, राई, जीरा, थोड़ी
थोड़ी सी हींग और हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, और आलू और ये हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के इसको ढक के रख देंगे। बस 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी सब्जी बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट करके रख लिए थे, वो भी अब मैं डाल दूंगी क्योंकि सब्जी आधी पक चुकी है। उसके बाद टमाटर डाल के मिला देंगे, थोड़ी देर और इसको पका लेंगे, देन हमारी सब्जी रेडी है। साथ ही साथ दाल भी उबल गई है, तो मैंने इसकी सिटी निकाल दी, बिकॉज मुझे लग रहा था 3 की बजाय 4 सिटी लग गई थी, तो मुझे लगा कि ये अच्छी खासी गल गई होगी। तो बस कुछ नहीं, अच्छी दाल बन के तैयार हो गई थी। अब मैं दाल को ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में, और ये राइस को धुल के साफ कर, मतलब साफ पानी से और साफ सुथरा पानी मिलाकर 3 गिलास पानी में डाल दूंगी। ये 2 गिलास राइस थे और 3 गिलास मैंने पानी डाला है। राइस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में 2 गिलास राइस में 4 गिलास पानी लगता है, किसी में 3 ही लगता है। हल्का सा नमक और घी डाल के उबालने के लिए रख दूंगी मैं। देख रहे हो ना कुकर कैसे पीला हो गया है, वो दाल की वजह से हो गया है, हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दाल फ्राई करने की तैयारी कर ली है, तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर लूंगी। दाल फ्राई करने के बाद देखिए दाल भी कितनी अच्छी सी फ्राई हुई है, धावा स्टाइल एकदम बढ़िया सी। और यहाँ आटा लगा लिया है, थोड़ी देर दाल रख के लिए निकाल दी है, तो बस ये हो गया है रेडी और करना। घर का हाल देखो क्या हुआ है भाई, क्या किया ये आध्या आध्या आप लोगों ने, ये आध्या यहाँ पर आध्या किचन लग गया है और इस तरीके से दक्ष से परेशान करता है, खेलने नहीं देता है। लो तुम्हारा किचन गया और मेरा बच्चा गुस्सा हो गया। और बाबू छोटा भाई है आपका, ठीक है कोई बात नहीं, आप सारे प्राइस में भर दो, बाद में लगा लेना। और फ्रेंड्स आज हुई है जमकर बारिश, ये देखो बहुत सारी बारिश है ना। और मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ देखो डाल रखे हैं, यहाँ पर मैंने ये देखिए डोरी बंधी हुई है, अंदर तक पूरे कपड़े कपड़े डले हुए हैं। तो ये कपड़े इसलिए डाल रखे हैं, ये रात को ही धुले थे कल, और कहाँ डालते इसलिए मेरे हस्बैंड ने एक डोरी यहाँ बांधी है ताकि डाल सके। रात में बारिश फिर हुई थी और बेड शीट जो थी मैंने दोनों बेड शीट धुली थी, वो दोनों बाहर डाल दी थी रात को, और रात में वो फिर भीग गई। सुबह फिर थोड़ी धूप हल्की सी निकली थी, मैंने बताया था, तो उस पर सूख गई थी। तो जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई फिर अंदर उठा कर रख ली हैं, और ये वाले कपड़े सूख ही गए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि अभी फैले रहने दो, धूप निकला है तो धूप में और डाल दो तो थोड़ी स्मेल चली जाएगी। कुकर में 3री सीटी लग गई है, मैं चावल को बंद करने जा रही हूँ। कितनी अच्छी थाली बन के तैयार हो गई है, अरहर की दाल, राइस, रोटी, आलू भुजिया, नींबू रख लिया है, सलाद में प्याज एंड खीरा है ये कट कर लिया है। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, मैं उनको खाना देने जा रही हूँ, मैं भी खाऊंगी, फिर मिलती हूँ शाम को। बातें करो, तुमको मोबाइल चाहिए था, मोबाइल चाहिए था ना मेरा, तुमको मेरा मोबाइल चाहिए था। अच्छा गुस्सा है भाई, मोबाइल अब नहीं, ऐसे गुस्सा हो रहे हो, देखो देखो देखो, गुच्छा नहीं होते, गुच्छा नहीं होते, ये देखो ये कौन है, दक्षु गुस्सा का टाइम है, तो थोड़ा सा छत पे आके टहल रही थी, तो मैं अचानक से मैं यहाँ बैठ गई। थोड़ा सा यही रहता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालूं, एकदम अकेले, ना किसी से बोलूं, ना किसी से बातें करूं, ना कोई आसपास हो, बट शांति से बैठी रहूं। इस टाइम ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, और इस टाइम वैसे भी मेरी जो दिमाग में जो उलझने कुछ चल रही हैं, कभी शेयर करूंगी, बहुत सारी उलझने हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
फिलहाल तो इतनी सारी टेंशन है दिमाग में कि मैं उसको लेकर हमेशा परेशान ही रहती हूँ। जब भी अकेले बैठती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ टाइम अपने लिए निकालूँ, लेकिन जब नहीं निकलता है तो मैं अपने उसी लाइफ में ही बिजी रहती हूँ, बच्चों के साथ में एंड काम में। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सोचा अपने इस स्टैंड में ये लिपस्टिक अपनी लगा लेती हूँ। तो कुछ नेल पेंट भी लगाई है मैंने, तीन ये नेल पेंट इसमें मेरे आ गई हैं। ये वाली जो नेल पेंट है ये NY की है, जो ये नेल पेंट है तीन। और जो मैंने अभी मंगवाई हुई थी नेल पेंट, कौन सी एलेटीन की, वो इसमें नहीं आ रही है, वो थोड़ा साइज़ से चौड़ी है, इस वजह से ये गोल गोल थी ना, इसलिए इसमें आ गई है। और मैंने अपनी कुछ लिपस्टिक जो मैं यूज करती हूँ, सारी अभी न्यू नहीं है, जो मैं लगा चुकी हूँ एक ही दो बार, वो मैंने इसमें रख दी है। ये देखिए है, ये मैंने छोटी वाली रख ली है, यहाँ पे ये पर्पल की रख ली है, यहाँ पर ये है मेबलिन की, और ये है बायोटिक की, और ये स्टेक बेकिंग की। तो ये तीन चार ब्रांड की मैंने रख ली है। इसमें मैं पता है, जब मैं इनको रख रही थी तो ये स्वेचर्स भी ले रखी थी। ये सारे, हाँ हाँ, क्या हुआ? ये रहा मेरा लिपस्टिक का पिटारा, अभी इसमें खाली है। अभी मैंने जैसे कि बताया था कि इसमें 24 लिपस्टिक आ सकती हैं, अभी तो इसमें बहुत सारी खाली हैं। बताओ कितनी खाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो लिपस्टिक के लिए खाली हैं, और 8 में से 3 की जगह पे तो यहाँ नेल पेंट लग गई है, तो यानी इसमें 8 11 लिपस्टिक और आ सकती थी। इसमें 8 लिपस्टिक और मैं ऐड करूँगी, ये ना 10 आ गया है मेरे पास। 10 क्या है, लिपस्टिक चाहिए? लो लो, देखो लो, इसको पूरा का पूरा बॉक्स चाहिए, ये इसको पूरा चाहिए, पूरा ये पूरा लेना है। आप इसको पूरा लोगे? लो ओ लो लो, आओ आ जा, लो लो लो, गुस्सा हो रहे हो बाबू, ये नहीं छूटते हैं, ठीक है? ये भी रख दे रहे, उठा के ना बाद में दिखाऊंगी। इतना परेशान कर रहा था तो मैंने बोला इसको लेकर थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाओ, तो इन्होंने दोनों बच्चों को ले लिया है। दोनों बच्चे ही इनके पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे नीचे चले गए, तो मैं खाना बनाने चली गई थी। खाना बनाने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपने रूम में, और जो मैं काम अधूरा छोड़ के गई थी वो पूरा करने लगी हूँ। यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह सब हो गया है, मैंने आप रात का डिनर आप लोगों को नहीं दिखाया है, बिकॉज मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई थी और सब कुछ वही रखा हुआ था, हम लोगों ने वही खाया है, और ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा भी नहीं थी। यहाँ पे मैं अपना सारा मेकअप का सामान जो नया पुराना सब लेकर बैठी हूँ, और दक्ष भी देखो अलमारी खुली मिल गई है ना, इसको मैंने क्लेचर की डलिया दे दी, एक डलिए में सारे क्लेचर भरे हुए हैं, तो वही है, रख रहा है निकाल रहा है, वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करता है, बस उसको चीज़ें चाहिए और दे जाता है, थोड़ी देर बाद फिर मांग के ले जाएगा। ये उसकी रोज़ हमेशा इसकी आदत है कि दे देगा लेकिन फिर मांग के लेके जाएगा। अगर उस टाइम अगर आप मैं इसे नहीं दूंगी तो गुस्सा होकर सीधे फर्श पे लेट जाता है, तो वही है, देख लीजिए आप, वही करता कर रहा है बार बार। यहाँ पे ये किट मैंने पूरी खाली कर दी, ये किट मैं जालौन लेके गई थी ना, बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई है, तो मैंने सोचा चलो इसको खाली कर देते हैं और थोड़ी ड्रेसिंग को भी ठीक कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो मैंने इस किट को धुलने के लिए निकाल दी है। यहाँ पे अपने डेली यूजेस वाले जो भी मेरा सामान है वो सब एक जगह इकट्ठा करके, जैसे लाइनर पेंसिल जो भी है, कंसीलर वगैरह, सब एक साथ इकट्ठा करके, एक मेरे पास कप पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसका एक जोड़ा ही टूट गया है, तो मेरे पास वो एक्स्ट्रा, तो मैं सोचा चलो इसी उसी कप में ये लाइनर वगैरह सब इकट्ठा करके रख देंगे, एज ए स्टैंड काम करेगा वो, और हैवी है वो कप तो इसलिए गिरेगा भी नहीं, पेंसिल वगैरह ज़्यादा सब हो जाएगा। यहाँ पे आधा स्वेचेस लेकर दिखा रही थी लाइनर के, जैसे मम्मा दिखाती ठीक वैसे ही। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं आराम से सोने, और मच्छराई लगा ली है, इनको मच्छर बहुत काटते हैं, रोज इनको मच्छर काटते हैं, 2 दिन से हमने मच्छराई नहीं लगाई थी और इनको ही सबसे ज़्यादा मच्छर काटते हैं, तो आज इन्होंने अपने मन से देखिए मच्छराई खुद से लगाई है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।